इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की हम डेफिनेशन देखते हैं। अ हार्ड ब्लॉक ऑफ बेक क्ले दैट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेज। पक्की मिट्टी के कठोर खंड जिनका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता है, इनको हम ईंट भी बोलते हैं। ब्रिक्स जो स्टैंडर्ड ब्रिक्स हैं उसका जो डायमेंशन है वो इस तरह से रहता है। सॉरी, ये इसका जो मोल्ड है ये उसका डायमेंशन है। अब यहाँ पे फ्रॉक हम देखते हैं। फ्रॉक क्या रहता है ये हम देख रहे हैं। फ्रॉक एरो देखिए, यहाँ पे ये जो थोड़ा सा गड्ढा बना रहता है इसको हम फ्रॉक कहते हैं। यहाँ पे जो भी ब्रिक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका नाम लिखा रहता है, और ये जो गड्ढा है यहाँ पे हम मोल्टार भर के ब्रिक्स जो दीवार है उसको बनाते हैं। तो दीवार के ब्रिक्स के जो दो लेयर रहते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बन जाती है, तो उससे दीवार जो है स्ट्रॉन्ग बनती है। अगला टॉपिक हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक हम कैसे करते हैं। इसमें चार स्टेप रहते हैं। पहला प्रिपरेशन ऑफ क्ले, दूसरा मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स, ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, मिट्टी को छानते हैं, उससे जो भी बड़े पत्थर हैं वो हम निकालते हैं। एकदम बारीक मिट्टी जो है हम कलेक्ट करते हैं, उसमें फिर हम पानी मिक्स करते हैं और सांचे में उस गीली मिट्टी को डालते हैं, प्रेस करते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं। तो ये हम हाथ से भी कर सकते हैं या फिर मशीन से भी कर सकते हैं। तो सांचे में डालने का काम मैकेनिकली या मैनुअली दोनों होता है। फिर हम सांचे से निकाल के ब्रिक्स को धूप में सुखाते हैं, या यदि हमें जल्दी बनाना है तो उसको हम फैक्ट्री में मतलब एक भट्टी तरह की रहती है, वहाँ भी हम जल्दी सुखा सकते हैं। और उसके बाद बर्निंग ऑफ ब्रिक्स हम यदि हम भट्टी है तो हम उसमें भी बर्न कर सकते हैं, या फिर हम ओपन ओपन मतलब ओपन टू स्काई भी हम कर सकते हैं। सभी ब्रिक्स के चारों तरफ जो है हम फ्यूल भर देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, वो कुछ दिनों तक जो है जलती है और फिर अपने आप जो जब उसकी आग बुझ जाती है तो हम ब्रिक्स को निकाल लेते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स यदि हमें लार्ज स्केल पे यदि हमें करनी है तो हम भट्टी में और फैक्ट्रीज़ वगैरह में करते हैं, यदि स्मॉल स्केल पे यदि हमें निकालना है तो हम ओपन टू स्काई हम इसको करते हैं मैनुअल लेबर के द्वारा। ठीक है, तो यदि स्मॉल स्केल पे हम करते हैं तो हम टेबल मोल्डिंग करते हैं। इस तरह टेबल रहती है, इसमें साँचा रखा रहता है। फ्रॉक को बनाने के लिए जो खंड है वो रहता है, गीली मिट्टी रहती है। तो इस तरह से हाथ से जो है लेबर सांचे में डाल के फ्रॉक का जो खंड है उसको दबा के जो है ब्रिक्स जो है निकालती जाती है। अब अगला टॉपिक है कि अच्छी ब्रिक्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला है शेप एंड साइज़। शेप एंड साइज़ जो है स्टैंडर्ड रहनी चाहिए। तो जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड ब्रिक्स की क्या डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वो यहाँ पे होनी चाहिए 190x90x90। फ्रॉक के क्या डायमेंशन होने चाहिए, ये फ्रॉक की ये डायमेंशन होनी चाहिए। यदि फ्रॉक रेक्टेंगुलर है तो इस तरह से, यदि सर्कुलर ओवल है तो इस तरह से। तो पहली चीज़ हो गई डायमेंशन, ये जैसे यहाँ पे मेंशन है। अगली चीज़ है कलर। कलर किस तरह से होना चाहिए, कलर शुड बी यूनिफॉर्म एंड ब्राइट, कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए और शार्प एजेस होनी चाहिए। अगला चीज़ है स्ट्रक्चर। अ गुड ब्रिक शुड शो द फाइन कॉम्पैक्ट एंड यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। यदि हम ब्रिक्स को तोड़ें तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगला है साउंडनेस। अ गुड ब्रिक को यदि हम एक दूसरे से यदि हम टकराएं तो उसमें मेटलिक साउंड आना चाहिए। अगला है हार्डनेस। ब्रिक इतनी हार्ड होनी चाहिए कि नेल के द्वारा मतलब नाखून से उसके सरफेस पे स्क्रैच ना आए। अगला है पोरोसिटी। अच्छी ब्रिक को यदि हम 24 घंटे के लिए पानी में डुबा के रखते हैं तो उसमें 20% से ज़्यादा पानी
एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, ड्राई वेट का 20%। अगला है स्ट्रेंथ, अच्छी ब्रिक का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 10.5 न्यूटन पर mm² होना चाहिए, और यदि हम उसे 1 मीटर की हाइट से यदि हम छोड़ रहे हैं तो वो टूटनी नहीं चाहिए। अगला है रेजिस्टेंस टू फायर, मतलब फायर्स की प्रतिरोधक क्षमता, ब्रिक कितना गर्माहट कितनी ले सकती है। तो अच्छी जो ब्रिक है वो 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले लेनी चाहिए बिना टूटे या बिना शेप चेंज किए हुए। अगला पॉइंट है एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस का मतलब ये है कि पानी के जो भी ब्रिक है उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं होना चाहिए, और जब भी पानी के संपर्क में आए तो ब्रिक में कोई भी सॉल्ट नहीं होना चाहिए, वरना वरना क्या होगा कि ब्रिक से जब वो सॉल्ट पानी के संपर्क में आने से घुल के बाहर निकल जाएगा तो ब्रिक खोखली हो जाएगी। अगला टॉपिक है ड्यूरेबिलिटी, गुड ब्रिक जो अच्छी ब्रिक है वो वेदरिंग एजेंट के अगेंस्ट खड़ी रहनी चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर वेरिएशन, रेन और फ्रॉस्ट।